हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट ऑपरेशंस। नाउ व्हाट आर दी सेट ऑपरेशंस, यानी आप सेट के ऊपर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, उसका मतलब हुआ कि आपका किस सेट ऑपरेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो टोटल इनके कुछ 5 to 6 ऑपरेशंस हैं, तो उसमें से अपन आज 3 पढ़ेंगे, जिनके नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। और बाकी बचे हुए जो सेट के ऑपरेशन है वो आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। नाउ सेट ऑपरेशंस में आपका पहला ऑपरेशन इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा हुआ है, उसकी कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, उससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या बोलता है, लेट ए बी अ गिवन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार इज डिफाइंड एज ए बार इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यहाँ पे एक तरफ से उसका नेगेशन। यहाँ पे अगर मान लो ए में कोई डेटा है, वहां पे अगर आपका एलिमेंट वहां पे है ए के अंदर, तो उसका ए बार यानी एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा कि वहां पे एलिमेंट कोई भी प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पे इसका अपोजिट चलेगा। मतलब कैसे हुआ कि ए बी अ सेट गिवन सेट, मान लो आपको ए आपको सेट गिवन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार। अब उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, ए लिखेंगे और उसके ऊपर एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे ए बार बोल सकते हो या फिर उसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब उसको डिफाइन कैसे करना है, ए बार इक्वल्स टू कैसे होगा, ये मान लो ए आपको सेट गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अब इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल में कैसे लिखा होगा। इफ ए इक्वल्स टू एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ए में आपका सेट क्या क्या है, एक्स जो आपका रियल नंबर है और क्या है वो एक्स की वैल्यू क्या वहां पे लेस देन इक्वल टू 7 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा वो देखते हैं। ए बार आ गया, एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। यहां पे उसका देखो प्रोसेस रिवर्स हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, क्या लिखा यहाँ पे, एक्स इज रियल नंबर है एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी वहां पे, वो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 7 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे कि आपका सेकंड ऑपरेशन क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, यानी यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स क्या है वो भी अपन समझते पूरे अच्छे तरीके से। नाउ क्या लिखा है यहाँ पे, द यूनियन ऑफ अ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ सेट्स ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। मतलब क्या बोलता है, यूनियन मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी आपके सेट हैं उन सबको कंबाइन कर देंगे, तो उनके जो उनका उनको कंबाइन करने पे आपको सारा एक एलिमेंट एक आपको सेट मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे वहां पे यूनियन ऑफ सेट। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। नाउ ए की वैल्यू यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, ए की वैल्यू आप ए का एक सेट आपको क्या है 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके यहाँ पे एलिमेंट्स है। बी में क्या है 1, 2, 6, 8, 12, 15। ठीक है, अब मान लो मुझे ए यूनियन बी निकालना है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना है, तो ए यूनियन बी लिखूंगा और क्या करूंगा यहां पे आपके जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उन सबको मैं क्या करूंगा इसके अंदर लिखूंगा, लेकिन नॉट रिपीटेड। जैसे मान लो 2 है बराबर, तो ये आ गया, मैं अब यहाँ पे देखो 1 आ गया, ये आ गया 1, अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो मैं 2 बार 2 नहीं लिखूंगा, मैं 1 ही बार 2 लिखूंगा, तो ये आ गया मेरा 2, फिर आ गया 4, ये आ गया 4, अब देखो 6 और ये 6, 2 बार 6 है, 1 ही बार लिखूंगा बराबर, क्या मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं इसके लिए, ये 8 है ये 8 है, तो मैंने 1 ही बार 8 लिखा, ये आ गया 10, ये आ गया 12 और ये आ गया मेरा 15। तो यूनियन के अंदर आपका अगर रिपीटेड होता है कोई भी वैल्यू तो उसको वहां पे 1 ही बार लिखते हैं। समझ में आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं ए यूनियन बी। नाउ अब यहाँ पे आपको कुछ नोट डाउन करना है, नोट दैट एनी फॉर सेट ए, मान लो यूनियन के यहाँ पे कंडीशन होगी कुछ, अगर वहां अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन फाइव, मतलब नल सेट आपका एम्प्टी सेट, यहाँ पे आपकी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जब उसका यहाँ पे यूनियन निकालोगे एक ए सेट रहेगा एक आपका नल सेट रहेगा, तो उसका यूनियन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा अगेन ए ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको ये सब ध्यान में रखना है, ए यूनियन ऑफ यूनियन निकालूंगा मैं तो यह क्या मिलेगा आपको यहाँ पे यूनियन ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यूनियन को अगर आप किसी के साथ में अगर वहां पे यूनियन निकालते हो तो वहां पे आपका अगेन आपको यूनियन ही मिलता, क्यों, क्योंकि ये जो ए सेट है इसका सारा वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ये आ गया, अब मान लो अगर ए यूनियन यहाँ पे अगर मैं आपका ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यूनियन मिलेगा अगेन। समझ में आया अच्छे तरीके से, तो ये आपको एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है बट मोस्टली आपको ये कभी आता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये 3 चीजें आपको बता दी है। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर, थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स।
यानी सेट का जब इंटरसेक्शन होगा तो वहां पे क्या क्या वैल्यू है वहां पे निकलेगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए, अब यहां पे सिंबल क्या रहेगा, जो आपने यू लिखा था उसको उल्टा कर दो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए एज वेल एज इन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होगा कि आपका जो भी वैल्यू जो ए में है और बी में है, ठीक है, दोनों में रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे उसके इंटरसेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ ना, एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, ए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा जी, ठीक है, ये आपके ए के सेट हो गए, ए के सेट के एलिमेंट हो गए। बी में क्या दिया हुआ है, डी ई एफ जी। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना कैसे निकलेगा, देखो ए यहां पर है, इसमें ए है क्या, नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां पे बी है, यहां पे बी है क्या, नहीं है। सी है, यहां पे सी है क्या, नहीं है। और यहां पे जी है, बट यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे एंड में जी मिलता है, बराबर। तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे यहां पे इंटरसेक्शन पार्ट में लिखेंगे। तो देखो यहां पे भी जी है, यहां पे भी जी है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी का मेरा आंसर आ जाएगा, खाली जी आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या करना होता है कि जो कॉमन निकलता है ए और बी के अंदर, उसको हम उसके इंटरसेक्शन पार्ट में लिखते हैं, समझ में आया ना। इसके लिए कुछ अभी आपको यहाँ पे तीन नोट डाउन करना है। अगर ए इंटरसेक्शन फाइव निकालोगे, फाइव मतलब आपका नल मैट्रिक्स नल सेट हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन फाइव निकालोगे तो आपको फाइव मिलेगा, ए इंटरसेक्शन यू निकालोगे तो आपको ए मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालोगे तो आपको आंसर यहाँ पे फाइव मिलेगा, समझ में आया। तो ये था कि आपके सेट के तीन ऑपरेशन कौन कौन से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आगे समझ तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोज है जो डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।